इसी तरीके से हमें सभी नेल्स पर करना है। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे नेल्स पर जो स्याही थी, वो जो पेंटिंग थी, अक्षर थे, वे छप चुके हैं और ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। और हमें इसे भी गीला कर लेना है और तीसरे वाले नेल्स पे लगा के रखना है। और अब आप देख सकते हैं कि इस पे भी जो छप चुका है, जो भी हमने किया था। और इसी प्रकार से हमें सभी नेल्स पर करना है। और अब हमें इस तरीके की एक नेल पेंट लेनी है और उसको इन सभी नेल्स पर अप्लाई करना है, जिससे कि जो वो प्रिंटिंग है वो उतरे ना और ये नेल्स बहुत ज्यादा शाइन करेंगे। हमें सभी नेल्स पर इसे अप्लाई कर लेना है, जिससे कि ये बहुत ज्यादा सुंदर दिखेगी।